और जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने खाली किया है, ये इशारा कुछ और ही है। इतनी सरल ये तस्वीर नहीं है जितनी सरल दिखती है या दिखाई जाती है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसकी चर्चा हर ओर हो रही है। नीतीश कुमार कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं या फिर कुछ और कर लेंगे, कोई राजनीतिक कदम उठाएंगे, इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार राजद की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद फिर अमित शाह से मिलते हैं, तमाम तरह की जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, नीतीश कुमार ने इस बीच अपना मुख्यमंत्री आवास भी बदल दिया, एक अन्य मार्ग छोड़कर वो सात सर्कुलर रोड में भी आ गए, तो तमाम तरह की ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इसी तस्वीरों को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब बड़ा बयान दिया है और बहुत ही बारीकी से समझाया है कि नीतीश कुमार आखिर एनडीए का साथ कैसे छोड़ सकते हैं। आप देखिए कि क्या कुछ चिराग पासवान समझा रहे हैं। भाई, रेनोवेशन हम सबके घरों में होता है, हुआ है, पर हम लोगों ने कभी अपनी गाय भैंसों के साथ घर खाली कर दिया हो रेनोवेशन के लिए? ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। खैर, मुख्यमंत्री जी बड़े आदमी हैं, उनके पास अनेकों घर हैं, अनेकों घरों की संभावना है, पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने खाली किया है, ये इशारा कुछ और ही है। इतनी सरल ये तस्वीर नहीं है जितनी सरल दिखती है या दिखाई जाती है। एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से पैदल, और राजनीति में पता नहीं क्यों, पर मैं पैदल घर चलकर जाने के महत्व को मैं ज़्यादा शायद इसलिए समझता हूँ क्योंकि एक समय था जब सोनिया जी भी पैदल चलकर हमारे घर पर आई थी, पिताजी से उस वक्त मुलाकात हुई थी, और 2004 में यूपीए अलायंस की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए शायद पैदल चलकर आना मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। बट बहरहाल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पैदल चलकर आए, अगले दिन सुबह अमित शाह जी के पटना आने का कार्यक्रम था, तो ये तमाम बातें संजोग तो नहीं हो सकती हैं, और ये तमाम बातें जैसा मैंने कहा कि उतनी सरल हो भी नहीं सकती जितनी सरल इनको दिखाया जा रहा है। यकीनन एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर जो पहले आप दावे करते आए हैं कि इनका मन नहीं लग रहा है, ये जो विचारधारा बदल रही है, कुछ वैसे ही? देखिए, विचारधारा बदल रही है, आप देखिए किसी के भविष्य को अगर आप देखना चाहें, खासतौर पर अगर एक नेता के, तो उसके इतिहास से आपको पता चल जाता है। इतिहास में अनेकों ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी जब रातों रात अलायंसेज उनके आगे पीछे हुए हैं, और ये रातों रात हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं था, मतलब अभी तक एनडीए के साथ थे, एकदम से प्रधानमंत्री जी का नाम, नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए, तुरंत रातों रात डिनर कैंसिल कर दिया जाता है। फिर वो तस्वीरें भी 2017 की हम लोगों ने देखी जब किसी को जानकारी नहीं थी। भाई, हम लोग पॉलिटिक्स में थे तब भी हम लोग को जानकारी नहीं थी, सीधा उनका काफिला जा रहा है भैया राजभवन और इस्तीफा देके, और अगले दिन सुबह लोगों के उठने से पहले पुनः शपथ लेकर इस तरफ आ भी गए एनडीए में। तो जिस तरीके से रातों रात ये काम करने के लिए इनकी कार्यशैली रही है इतिहास में भी, तो अगर आने वाले समय में, और देखिए इस बात को तो मैं मान के चलता ही हूँ, इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी कभी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहें या भाजपा के साथ वो चलें, ये संभव ही नहीं है। निरंतरता में जिनकी विचारधाराओं में इतना विरोधाभास रहा है, पेगासस की बात हो, आपकी जातीय जनगणना की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, आप विशेष राज का दर्जा मांगते रहते हैं, भैया आपको नहीं पता भाजपा की उस पर क्या नीति है, तो तमाम चीज़ों पर जब इतना विरोधाभास हो और खुल कर समय समय पर, और ये पटकथा मुझे नहीं लगता कि आज से लिखी जा रही है, लंबे समय से लिखी जा रही है, पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर गए थे ये प्रधानमंत्री जी से मिलने जातीय जनगणना को लेकर, वहाँ से साफ इनको मना कर दिया गया, तो ये मुझे लगता है एक लंबे समय से पटकथा लिखी जा रही है, बस अब इसका क्लाइमैक्स किस दिन आता है ये देखने वाली बात है। जल्द आएगा, ये उम्मीद है जल्द आएगा, बिल्कुल होगा। तो आपने देखा कि चिराग पासवान हर बात की जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि जो ये तस्वीरें हैं वो एक अलग ही संदेश दे रहे हैं, सब कुछ जितना दिखने में आसान लग रहा है वो है नहीं, और सब बातों को संयोग भी कहा नहीं जा सकता है, और नीतीश कुमार का क्या इतिहास रहा है यह सबको मालूम है। तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन किधर जाएंगे ये भी एक सवाल है। क्या वो राजद के साथ जाते हैं या फिर तीसरे मोर्चे के साथ होंगे या कांग्रेस के साथ होंगे, तमाम तरह के सवाल हैं, और जो कि
वो आगे चलकर ही पता चलेगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। चिराग पासवान के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।